हाय, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल फोर्सेस और उनका वर्क डन। सेंट्रल फोर्सेस से हमारा मतलब है वो फोर्सेस जो कि डायरेक्टेड होती हैं टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम अ स्पेशल पॉइंट। लेट्स कॉल दैट स्पेशल पॉइंट एज ओरिजिन। तो दो एग्जांपल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, आउटवर्ड सेंट्रल फोर्सेस या इनवर्ड सेंट्रल फोर्सेस। आउटवर्ड सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है कि अगर आप किसी पॉइंट पे हैं तो जो फोर्स है वो ओरिजिन से अवे डायरेक्टेड। इनवर्ड का मतलब है कि अगर आप किसी पॉइंट पे हैं तो जो फोर्स है वो ओरिजिन के टुवर्ड्स डायरेक्टेड। आप रियलाइज करेंगे दैट एज एन एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों जो है सेंट्रल फोर्सेस होती है। ऑल्सो रिकॉल कि अगर आप किसी पोजीशन पे किसी पॉइंट पे हैं तो उसका पोजीशन वेक्टर आप ड्रॉ कर सकते हैं ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर को हम लिखते हैं आर वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं आर कैप। तो इसका मतलब क्लियर है कि सेंट्रल फोर्सेस जो है या तो टुवर्ड्स आर कैप होगी, यानी कि पॉजिटिव आर कैप की डायरेक्शन में होगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, या फिर नेगेटिव आर कैप की डायरेक्शन में होगी टुवर्ड्स द ओरिजिन, अगर ओरिजिन आपका सेंटर है। इसका मतलब जनरल फॉर्म एक सेंट्रल फोर्स की मैं लिख सकता हूं f सेंट्रल वेक्टर इक्वल्स अ नंबर f इनटू r कैप। ये जो नंबर f है ये वेरिएबल हो सकता है, अगर f पॉजिटिव है तो आउटवर्ड सेंट्रल फोर्स होगी और अगर f नेगेटिव है तो इनवर्ड सेंट्रल फोर्स होगी। चलिए देखते हैं क्या खास बात है सेंट्रल फोर्सेस के वर्क डन में। लेट्स सपोज एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर, उस पे कोई सेंट्रल फोर्स एक्ट कर रही, तो या तो वो पोजीशन वेक्टर से अवे डायरेक्टेड हो या फिर टुवर्ड्स द ओरिजिन डायरेक्टेड होगी। अगर हम मान रहे हैं कि ओरिजिन है सेंटर, फोर्स हमने यहाँ पे डायग्राम में शो नहीं की, ये पॉइंट का अगर कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है लेट्स से dr वेक्टर, देन द सेंट्रल फोर्स विल डू सम वर्क। वो dr वेक्टर मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट। आपको याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट dr वेक्टर को मैं दो कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक कॉम्पोनेंट होगा अलॉन्ग द पोजिशन वेक्टर और एक कॉम्पोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर। आपको ये भी याद होगा कि अलॉन्ग द पोजिशन वेक्टर ये वाला जो कॉम्पोनेंट है ये पोजिशन वेक्टर की लेंथ को चेंज करेगा, जबकि परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट है वो इसको रोटेट करेगा। द पॉइंट बी कि पैरेलल वाला कंपोनेंट r वेक्टर के अलोंग वाला कंपोनेंट को मैं लिख सकता हूं dr, यानी चेंज इन द लेंथ ऑफ r, और परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट को लिख सकते हैं r d थीटा। ये चीजें मैं आपको आपको दिखा रहा हूं। अगर आप लिखिए पोजीशन वेक्टर को r वेक्टर इक्वल्स r r कैप, पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करो मैं, तो आप डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो आपको मिलेगा dr वेक्टर इक्वल्स dr r कैप प्लस r into differential of r cap. Differential of r cap is same as d theta into theta cap. ये हम पहले discuss कर चुके हैं। Substitute करें तो आपके पास आ जाएगा dr vector equals dr r cap plus r d theta times theta cap. यहाँ पे आप समझ गए होंगे r cap is the unit vector along r vector, theta cap is the unit vector perpendicular to r vector. ये आपका displacement vector हो गया। Central forces से हमने discuss किया था, central forces a number into unit vector along the position. Along the position, यानी F into R cap. आपके पास displacement का vector है, center force का vector है, तो आप work done निकाल सकते हैं dW, इन दोनों का dot product. Clearly जब dot product लेंगे तो R cap का dot product यहाँ पे theta cap के साथ zero जाएगा, और R cap का dot product R cap के साथ जाएगा one, which means आपके पास आ जाएगा dW central equals F dr. यहाँ पे जो number F है, ये R पे depend करेगा, dr भी आपका R का ही function है. That means ये जो integration होगा ये केवल r की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, व्हिच मींस अगर आप इसको इंटीग्रेट करें लेट्स से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, लेट्स से r1 वेक्टर से लेके r2 वेक्टर तक, तो ये जो आंसर आएगा ये r2 और r1 की ही वैल्यूज पे केवल डिपेंड करेगा। यानी कि यहां पे आप देखिए हमने ये नहीं डिसाइड किया कि r1 वेक्टर से लेके r2 वेक्टर तक वो कौन सा पाथ फॉलो करने वाला है, बट फिर भी हमारे पास वर्क डन आ गया। पॉइंट मेरा यहां पे ये है कि सेंट्रल फोर्सेस का जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, वो केवल इस पे डिपेंड करता है कि आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है। मैं इसको एक एग्जांपल से और थोड़ा क्लियर, यहां पर सेंट्रल फोर्सेस का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट मासेस। मान लेते हैं ओरिजिन पे हमारा एक मास है कैपिटल M जो कि किसी तरीके से फिक्स्ड है वहां, और एक हमारा पॉइंट मास है लेट्स से स्मॉल M जिसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रिलेटिव अभी है r। तो अपने को पता है कि स्मॉल M के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगी F factor that will be always directed towards the origin, hence it is a central force. और उसकी value मैं लिख सकता हूँ F factor equals minus g capital M small m by r square times r cap. अगर आप इसको central force की general expression से compare करें, मैंने general expression लिखी थी F r cap, then clearly ये जो quantity parenthesis में है ये आपका F हो जाएगा।
अभी जो हमने डेरिवेशन किया उससे अपने को पता है कि वर्क डन बाय द सेंट्रल फोर्स dw कैन बी रिटन एज fdr. अगर आप f की वैल्यू ले लें यानी कि पैरेंथेसिस यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो आपके पास dw की वैल्यू आ जाएगी. आप इमेजिन करिए आप एक इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अब आप देखेंगे कि ये जो dw का फंक्शन है इसमें मुझे पाथ की जरूरत ही नहीं है. ये dw का फंक्शन है केवल स्मॉल r पे डिपेंड करता है, यानी कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस है केवल उस पे डिपेंड करता है, और इसके लिए मैं विदाउट नोइंग द पाथ इंटीग्रेट कर सकता हूं. यू कैन सी ऑब्वियसली वर्क डन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस दैट इज माइनस gmm इंटीग्रल ऑफ dr / r स्क्वायर. लेट्स सपोज आपकी इनिशियल लिमिट r1 से फाइनल लिमिट r2 तक अगर आप इंटीग्रेट करें तो देख सकते हैं आ जाएगा gmm 1 / r2 - 1 / r. जो पर्टिकुलर आंसर है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहां पे ये रियलाइज करना है कि जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंडेंट नहीं आ रहा है, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन की डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है. चलिए समराइज करते हैं इस वीडियो के मेन पॉइंट्स. पहले हमने डिस्कस किया कि सेंट्रल फोर्सेस का मतलब है फोर्सेस व्हिच आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द सेंटर. जैसे कि डायग्राम में मैं यहां पे सेंटर को ओरिजिन दिखा रहा हूं, तो या तो फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स द ओरिजिन है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन. अगर आप सेंटर को ओरिजिन मान रहे हैं तो सेंट्रल फोर्सेस की जनरल एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं एफ सेंट्रल वेक्टर इक्वल सम नंबर एफ इनटू आर. इससे हमने देखा कि किसी भी छोटे से डिस्प्लेसमेंट में सेंट्रल फोर्सेस का वर्क डन हम निकाल सकते हैं सिंपली एफ डी आर. इसको इंटीग्रेट करके हमने एग्जांपल से भी देखा, कंक्लूड किया कि ये जो सेंट्रल फोर्सेस का वर्क डन है वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है. इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में जो पाथ फॉलो किया गया उस पर डिपेंड नहीं करता. हाय, मेरा नाम है दीपक भारद्वाज, आप देख रहे थे चैनल जेई फिजिक्स क्वांटाइज्ड. अगर आप लोगों को लगता है कि इन वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली है तो प्लीज और लोगों को इसके बारे में बताइए, और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए. थैंक यू.